चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। छब्बीस तारीख से षड्यंत्र था जी, उनके जांच होनी चाहिए पुलिस प्रशासन के खिलाफ जी, दिल्ली पुलिस की भी साजिश है, ये नहीं होगा, सबका जांच होगा, प्रेस की जांच होगी। भाई साहब 62 दिन आप लोगों की मेहनत एकदम पानी कर दी गई, नहीं होगा, किसान देश के किसानों के साथ में धोखा है, ये नहीं होगा, धरने चलेंगे यही चलेंगे धरने, यहाँ ही बातचीत होगी। प्रशासन ने क्या धोखा दिया, प्रशासन ने क्या धोखा दिया आपको, धोखा के 5 लोग हम गिरफ्तारी कर लेते हैं और लोग यहाँ से चले जाओ, बीजेपी के लोग नीचे आ रहे हैं, लट्ठी भाई नीचे कर ले जरा, फिर लगभग कितनी गाड़ियां आ रखी है जिस तरीके से आप बता रहे हैं, 25-30 गाड़ी बीजेपी के लोग लेकर आ रहे हैं, उसका विधायक लेकर आ रहा है, मतलब किसानों को मारने का काम करा जा रहा है, ये प्रशासन द्वारा चरित्र अपना कुछ भी साफ है, अब आप यही रहूंगा और जब तक गाँव में ट्रैक्टर से पानी नहीं आओगे पानी नहीं पीऊंगा, गाँव से ट्रैक्टर से पानी जब तक नहीं आओगा, ट्रैक्टर में किसान पानी लेकर नहीं आएंगे, प्रशासन ने पानी बिजली सब बंद कर दी, मुझे किसानों से पानी चाहिए, 26 जनवरी में मैंने झंडे मांगे तो उन्होंने झंडे दिए, मुझे पानी चाहिए, अब तो सर कहीं ना कहीं माना जाए कि अनशन पे बैठ गए हैं आप, सीसीटीवी कैमरे भी हटाए गए हैं, उसके कैमरे हटाए गए हैं, कैसी आपको कैसी शंका है आपकी, चलाना है चला दो, हम यहाँ जब तक आंदोलन जारी रहेगा यहीं पे बैठे रहेंगे, इस टिकट की जब तक जान है ये ना धरना स्थल खाली होगा ना ये आंदोलन खाली होगा, मेरा माइक पकड़ लो, कोई खाली नहीं होगा। नहीं पिया जाएगा, प्रशासन ने बिजली और पानी की सुविधाएं बंद कर दी है, अगर कुछ हुआ तो प्रशासन जिम्मेदार होगा, मैं सरेंडर नहीं करूंगा, ये कहना है राकेश टिकैत का, अनशन का ऐलान कर दिया है, जब तक गांव से पानी नहीं आएगा ट्रैक्टर में तब तक मैं पानी नहीं पीऊंगा, जब तक मेरी सांस है आखिरी तब तक मेरा आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा, ये कहना है राकेश टिकैत का, अगर इसी बीच कुछ होता है तो उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा।